सर मेरा नाम हरदीप सिंह है। क्या काम करते हैं सर? सफाई कर्मचारी। आप हिमाचल के पहले वैक्सीनेटर बने हो, आपको पहली वैक्सीन लगी है हिमाचल प्रदेश में, कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह की फीलिंग है, क्या मैसेज दे रहे हैं? सर वैसे ठीक है, इंजेक्शन की ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, मतलब कि सारों को लगवाना चाहिए, कोरोना से कभी मुक्त होंगे। सर पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, जिस तरह से उन्होंने देश के साइंटिस्ट को इस कोरोना महामारी के खिलाफ इस टीका को, इस वैक्सीन को बनाने के लिए सहयोग दिया, समर्थन दिया, उत्साह दिया, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और सभी साइंटिस्ट को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जिन्होंने इस संकट से देश को बाहर, दुनिया को बाहर निकालने के लिए रात दिन एक करके जो है मेहनत की और इस लक्ष्य को हासिल किया। आज वैक्सीन उपलब्ध हमारे भारत में अपने ही देश के साइंटिस्ट के माध्यम से, अपने ही देश में निर्मित जो है वो उपलब्ध हुई है। इसके लिए जहां हिमाचल प्रदेश में तैयारी की बात है, हिमाचल प्रदेश में हमारी वैक्सीन 93,000 डोजेज हमारे पास उपलब्ध हो चुकी है सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से, और आज से इसका विधिवत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां देश के लिए शुरुआत की, वहां IGMC से हिमाचल प्रदेश के बीच की शुरुआत हुई है। और मैं सभी प्रदेशवासियों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से निश्चित रूप से जहां कोविड के मामले हिमाचल प्रदेश में लगातार गिरते जा रहे हैं, ऐसे भी हमारे पास एक्टिव केस सिर्फ 700 के लगभग रह गए, और ऐसी स्थिति में इस वैक्सीन आने के बाद कोविड पूरी तरह से समाप्त होगा। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।